हम बार बार कहते हैं कि अफवाहों पर किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यूपी के मऊ में कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी के मऊ में एक अफवाह पर जमकर बवाल देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि एक अफवाह के चलते यूपी के मऊ में जमकर बवाल देखने को मिला। एक अफवाह और सुलग उठा यूपी का एक शहर। एक अफवाह से मऊ की सड़क पर महाभारत। मऊ के हलधरपुर की सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई थी। हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए पुलिस के सामने सड़क पर सैकड़ों लोग डटे हुए थे। पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी हंगामा कर रहे लोग भागने को तैयार नहीं थे। पुलिस पर लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही थी। सवाल ये कि आखिर ये लोग हंगामा क्यों कर रहे थे? आखिर पुलिस के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा क्यों था? दरअसल एक स्कूली वैन को एक बस ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को अफवाह के रूप में मिली कि हादसे में कई बच्चों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में बच्चों को सिर्फ चोटें आई हुई थी। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पहले तो पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। उपद्रव कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो हंगामा और बढ़ गया। लोगों ने पुलिस की जीप को ही फूंक दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन यहाँ पर कुछ शराबी तत्वों ने अफवाह फैला दी कि बच्चे तीन चार बच्चे मार गए मर गए। कारण से हंगामा कर रही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी दागे। उपद्रवियों के पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों समेत एसएसपी और सीओ सिटी को भी गंभीर चोट आई है। मधुकर थे हलदरपुर थाने से आगे का एक इवेंट दिए, सूचना दिए कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो पीआरवी 2262 जो थाना सराय लखनसी की है, ये चिकटिया पुल ओवर ब्रिज पर थी, इसको सूचना मिली तो ये तत्काल मौके पर पहुंची। वहाँ मौके पर पहुंचकर घायलों को लेकर चलने लगी तो वहाँ उग्र भीड़ ने पीआरवी की गाड़ी को जो है पेट्रोल डाल के जला दिया और पीआरवी कर्मी विनीत यादव और अखिलेश गौतम चालक को बुरी तरह मारे पीटे और पीआरवी की गाड़ी वो पूरी जल गई है और थाने की भी एक गाड़ी जली है और एक फैंटम गाड़ी जली है। कितनी गाड़ियां जली हैं? तीन गाड़ी जली है। फिलहाल मऊ के हलधरपुर में तनाव है। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।